इनसे मिलिए, ये है ओजस सामल। आज के लॉकडाउन बर्थडे का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं की देन। तो आज क्या हो रहा है? आज मेरे पापा के 38 बर्थडे। 38, हेलो। टेंटरन, बड़े बॉय मिस्टर अशोक कुमार सामल। और आज की डेट है 25, 2020। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये नाउ इट्स टाइम फॉर सरप्राइज बापा, दिस इज योर गिफ्ट। सोचो सोचो, एक सेकेंड। तो आज है क्या हमारे सरप्राइज में? तो पहले ओजस आपको उस ट्रेजर हंट के रूल्स बताएंगे। मैं 38 साल का हूँ। 38 और अब आप अपने दोनों डिजिट को प्लस करो तो कितने नंबर आएंगे? 11। तो आपको 11 पर आप पार कर रहे हैं। ये बाप, 11 चीटर मुझे तो कहना था 2-3 है। चलो पहला पड़ाव शुरू करते हैं। बैठिए, उठाओ उठाओ। आपके पास तीन लाइफ लाइन है, एक मैं, एक मम्मी और एक नानी। जो मैं आपको हिंट जो होगा उसके बाद एक और हिंट दे दूंगा। मम्मी आपको आंसर बता देंगी और नानी आपके साथ एक पार्टनर बन जाएगा। हाय। और नानी मेरी पार्टनर अभी से? हाँ। नानी अभी से पार्टनर? सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। और आप ये जितने भी लाइफ लाइन है एक ही बार यूज कर सकते हो। चलो फिर करें। इधर लो, इधर आओ। एक बात बताओ तुम लोग। बोलो बोलो। बर्थडे मेरा है, गिफ्ट भी मेरा है और छुपा दिए तुम मेरे गिफ्ट। तो ढूंढोगे भी तो आप। हाँ। चलो खेल के शुरू। अच्छा, मैं पहली पहेली। भोजन खाना है सूची तो लाओ, हमारे रेस्टोरेंट का हाल बताओ। भोजन खाना है सूची मतलब मेन्यू कार्ड का या मेन्यू कार्ड? थोड़ा फेस इधर दिखा के ढूंढिए ना। मेन्यू कार्ड का है? यू डोंट फॉलो द वर्ड, वी फॉलो योर वर्ड। तो हमारा रेस्टोरेंट था एनिवर्सरी। ओके चलो किचन में। किचन क्या चला दोस्तों? फ्रिज के इधर उधर। अभी पापा जा रहे हैं कमरे में हमारा मेन्यू कार्ड ढूंढने के लिए। अरे मेन्यू कार्ड कहाँ रख दिए पापा, सोचने पड़ गए। इधर उधर ताको सोचो। लाइफलाइन भी है आपके पास? तीन। मैं पहले ढूंढ लूंगा, लाइफलाइन नहीं लूंगा। तीन लाइफ लाइन है। तीन। देखो देखो इसमें है क्या? नहीं, ये तो दवाइयों का। आप तो हर तरफ से देख चुके हो, पूरे घर में घूम ले। ये देखो मिल गया फ्री पुरम का मेन्यू का हिंट नंबर 2। हॉकी स्टिक लगती कभी कभी, कभी कभी काजू, कभी लगती लाल सेब, कभी लगती हरा सेब, बेचैन रहते आप इनको लेकर, पानी देते समय अनुसार। हरा सेब, हॉकी स्टिक, काजू जैसे चीजें जब बाजार से आता है तो रहता है बालकनी में, और बेचैन रहते आप इसको लेकर, पानी देते समय अनुसार। पानी दिया जाता है पौधों को, पौधों को, मिर्च के पौधे बालकनी में। चलो
दिखाइए तो। मिर्ची के पौधे में मिर्ची तो नहीं है, कहाँ गया? अरे कहाँ होगा? ए ये मिल गई। कहाँ कहाँ छुपा के रखते हो? बहुत जगह है। हिंट नंबर तीन। और ये है हिंट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, प्ले सॉन्ग, प्ले सॉन्ग, प्ले सॉन्ग ऑन पियानो। कैसी हो? चलो देखते हैं। बजाने से पहले ही मिल गया। ओजस ने लिया ये प्रण खत्म हे करना पढ़कर लॉकडाउन के अंदर। हमने कहा था ब्लैक ब्यूटी खत्म करोगे पढ़ के, तो ब्लैक ब्यूटी बुक के अंदर होगा। चलो देखते हैं। ब्लैक ब्यूटी बाय अन्ना सिवेल, देखते हैं कहाँ पे है। बुकमार्क के साथ, थैंक यू ना, जल्दी मिल गया। तो आपकी अगली पहेली क्या है? थोड़ा पढ़ के तेज से बोलिए तो। लगभग घर के सभी सदस्यों के पास अपना अपना है, कुकी को छोड़कर, मोबाइल है सबके पास। हरे कृष्ण हरे राम, मतलब नानी की मोबाइल। चलो नानी। पापा ने नानी का फोन ले लिया और मिल गई अगली पहेली। तो पप्पा थोड़ा जोर से पढ़ के बताइएगा। जय माता दी। दुनिया घूमो मेरे संग, चाहे कनाडा हो या जापान। वर्ल्ड मैप, दो वर्ल्ड मैप है और एक ग्लोब भी है। यहाँ तो कहीं रखने की जगह नहीं है, रसील है, ये भी तो बंद है चारों तरफ से। तो ग्लोब कहाँ है? ग्लोब सात नंबर, कनाडा, कनाडा से लेके यूएस, जापान, सब कुछ एक ही, सात पूरा पाँच। दिखाइए तो एक बार पहली पलट कर। उसके अंदर करता टेढ़ी आराम, फोटो से है ये हमार। टेढ़ी आराम तो करता था, इधर जगह चेंज हो गई। जाइए जाइए देखिए, शायद पापा को हेल्पलाइन की जरूरत पड़ सकती है। टेढ़ी तो इधर, देखो मेरा फेवरेट टेढ़ी, क्या क्यूट है ना, इसे कान के अंदर तो नहीं। फोटो से है ये भरमा, फोटो तो हमारे स्टेशनरी वाले सेल्फ में है, सारे एल्बम में। तो वो तो नहीं मिली, देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर तो टेढ़ी नहीं है, टेढ़ी तो है। इसके अंदर करता टेढ़ी आराम, फोटो से है ये भरमार। पापा आपके पास तीन लाइफ लाइन है, एक इस्तेमाल कर सकते हो, एक इस्तेमाल कर लीजिए। चलो मैं पहली लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहूंगा, जो है ओजस। आजा ओजस, सकती है इसकी जगह पे? हाँ मिल सकती है, बताओ अपने आसपास देखो। आराम, अपने दांतों के अंदर है क्या? मम्मी ने आपको गिफ्ट दिया था, ये एक और दे दिया मैंने आपकी तरफ से। पप्पा नहीं करता आराम, आराम तो बताया नहीं। ये मिल गया बॉन्डिंग गिफ्ट से, जब हमें मिला था गिफ्ट बॉक्स आ गया। चलो आजा आजा, खुलो खुलो खुलो। टेढ़ी करता आराम है, क्या था? रुको, फोटो से है ये भरमा, टेढ़ी करता आराम, दिखाइए। वाह,
फोटो से है भरमार। देखो बहुत सारी फोटो है इसके अंदर। ये है पहली नंबर 8 जो है बापू सेहत के लिए तुम्हारी हानिकारक है। ये तो मीठी मीठी बहुत। ये कौन बनाया? अरे आपने पहली पूरी नहीं पढ़ी पापा। मीठी मीठी बहुत ही है ये। लाओ हम पढ़ देते हैं। सफेद रंग का है ये, तो चीनी है, चीनी का डब्बा है। डायबिटीज है तो चीनी खतरनाक है मेरे सेहत के लिए। बिल्कुल सही लिखा था पापा, मानना पड़ेगा तुम्हें। अरे मम्मी ने बताया। मम्मी ने तो मम्मी को मान जाओ। कोविड में हाथों और सामान को, सामान है या सामान? सामान सामान लिखा है। अच्छा चलो। हाथों और सामान को स्वच्छ बनाए, बिना पानी के जीत दिलाए। ये स्वच्छ तो दो चीजें होती है, एक तो साबुन और सैनिटाइजर से, लेकिन इसके लिए तो पानी चाहिए साबुन के लिए, सैनिटाइजर के लिए नहीं चाहिए। बिना पानी के पहले सैनिटाइजर कर देखते हैं। आ जाओ बस। तो ये रहा सैनिटाइजर बॉटल के नीचे, हमें मिल चुका टेन नंबर 10। जब भी जाए मार्केट, आप जब भी जाए ज्यादातर मुझको जरूर ही लाए। मेरा रंग है लाल, टमाटर जरूर आता है घर में, बहुत खाते हैं। वैसे प्याज भी लाल होता है, और प्याज है या टमाटर दोनों ही बहुत आता है मार्केट से। प्याज ज्यादा आता है, टमाटर ज्यादा आता है। तो अब पापा फ्रिज में देख रहे हैं। ग्यारहवीं पहेली खोलिए। पहेली हाँ तो 11 पड़ाव ना। दस ग्यारहवां नंबर, नंबर दिखाइए। हाँ पहेली दिखाइए। बुरा पुदीना पर राइमिंग वर्ड ऑफ टिप। बुरा पुदीना पर राइमिंग वर्ड ऑफ कल कल लूडो खेलते वक्त ओजस के पेट में इसी का दर्द हो रहा था, और ये 4 से 5 बार बोल भी दिया था बुरा पदीना बुरा पदीना। अब आगे कुछ नहीं बोलना हो जैसे अभी। पप्पा आपके पास लाइफ लाइन भी है, नानी और मम्मी, अब आप किसको लेंगे? नानी को बेकार की लाइफ लाइन खराब करोगे। नहीं नानी, डायरेक्ट आंसर दोगे ना तुम? हाँ, लाइफलाइन 2 को अंकित किया जाए। टिंग, लाइफलाइन 2 ड्रिंग। ये ले लो लाइफलाइन 2। लाइफलाइन 2 में आपको इसको इंग्लिश करना है। बैडमिंटन राइमिंग वर्ड ऑफ हिट। बैडमिंटन किट, हिट का किट। अरे बैडमिंटन किट रखा है। ओजस, तो जैसे कि आप देख रहे हैं अब पप्पा पहुंच गए हैं अपने दिनों पर है। पुदीना पर हाइट बड़ी है, उतार लेंगे। आप सोचिए कौन सी जेब में रखी है। तो बहुत सारे जेब है, तो आप खोल खोल के देखिए, दिखाइए। ये है मेरा बर्थडे कार्ड। ये क्या लिखा है पढ़ के बताइए? उड़िया में लिखा है। किसकी हैंडराइटिंग है? मेरी। थैंक यू, जन्मदिन और शुभेच्छा पापा। थैंक यू कुकू। इसका मतलब आप दोस्तों को समझा दो। जन्मदिन की बहुत सारे शुभकामनाएं पापा को। वाव, अंदर तो बहुत शानदार बनाए हो। देखो इसमें आपने बैडमिंटन ही बनाया है। बैडमिंटन भी बनाए हो, और क्या क्या है? और जस्ट बताइए। हैप्पी बर्थडे पापा, आई लव यू 38।
लव 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 और फूल और पत्ते बहुत सुंदर बताए मैंने ना मैं आपके लिए टमाटर का फ्लेवर लेमन का फ्लेवर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ये ऑरेंज फ्लेवर और ये ग्रास फ्लेवर ग्रास मतलब कैबेज फ्लेवर आप हेल्दी नहीं वाह कार्ड बहुत सुंदर है और उससे भी सुंदर तुम्हारी पहेलिया बुरा पुदीने पर है बाय 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 Come and move that in my direction So thankful for that, it's such a blessing, yeah Turn every situation into heaven, yeah Oh, you are my sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment slowly, slowly You fit me, telling me love how you put it on Got the only key, know how to turn it on The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Alright, alright